बिजली के बिल से, महंगे बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री पे बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठा पा, तो बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बिहार की जनता इसको, हम लोगों को चिंता जनता की है, बिहार की है, बिहार की तरक्की की है। नीति आयोग का अगर आप रिपोर्ट उठा करके देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। देखिए पूरे बिहार में जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं लोगों से यही सुनने को मिल रहा है कि लोग जो है बिजली के बिल से, महंगे बिजली के बिल से लोग बहुत परेशान हैं। खास तौर पे जो प्रीपेड जो मीटर रहा है उससे लोग जो है काफ़ी परेशान है, आहत है। और बिहार जो है बिजली के मामले में सबसे महंगा अगर कहीं बिजली मिलता है पूरे देश में तो वो बिहार है। और हम बताना चाहेंगे कि हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं, नई सोच के साथ बिहार के लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री पे बिहार के लोगों को बिजली हम लोग उपलब्ध कराएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार के लोगों को हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे। और लोग जो हैं काफ़ी शिकायतें लेकर के हम लोगों के पास आते हैं कि इनका बिल जो है सही नहीं आ रहा है, महंगा आ रहा है। इन सारी समस्याओं के समाधान जो है इससे हो सकता है। तो हम लोग सब लोग मिलकर के इस दिशा में लोकसभा चुनाव में भी हमने ये बात कही थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। जब मौका मिलेगा तो इस चीज़ को हम लोग लागू करेंगे। जो तो संगठन है कल उजियारपुर का था, तो हर जगह लोगों से मिलना है। इंटरनल पार्टी की मीटिंग है, उनका जो भी सलाह है हम लोगों ने सारी चीज़ों को नोट किया है और उस दिशा में हम लोग काम। आपकी यात्रा शुरू होते ही जो है आक्रामक हो गए हैं विपक्ष के लोग, क्या करें? देखिए उनसे कोई लेना देना नहीं है, आक्रामक हो या कुछ हो, हम लोगों को चिंता जनता की है, बिहार की है, बिहार की तरक्की की है। नीति आयोग का अगर आप रिपोर्ट उठा करके देखें, अगर ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं अध्ययन थोड़ा करें, तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। प्रति आय व्यक्ति जो है उसमें बिहार सबसे पीछे राज्य में है। आप देखिएगा पलायन के मामले में आगे है। केंद्र सरकार ने तो खुद 3 करोड़ स्वीकार किया कि बिहार के लोग जो हैं 3 करोड़ की संख्या में, और वो तब है जो रजिस्टर्ड होंगे, या अंदाज़ा तो 4-5 करोड़ भी हो सकते हैं। तो बिहार में जिस प्रकार से 20 साल तक डबल इंजन की सरकार ने राज किया है, केवल ठगने का काम किया है इस डबल इंजन की सरकार ने। साथ साथ केंद्र मंत्री हैं बिहार में, केंद्र में इनकी सरकार है, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। और केंद्र सरकार ने तो खुलेआम मना कर दिया कि बिहार को हम कोई मदद नहीं करेंगे, बल्कि बिहार की ही बदौलत जो है ये सरकार चल रही है। तो बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है बिहार की जनता इसको देख रही है। राहुल गांधी जी आरक्षण पर कुछ मन समाप्त करने में कांग्रेस की बात है, क्या सर? बीजेपी जो है अफवाह पार्टी है। बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी, ये केवल जनता को झूठ बोल करके, भ्रमित करके अपनी राजनीति को सेकने का काम करते हैं। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि वो जाति जनगणना कराएंगे, आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे, संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो तो संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं। जो लेटरल एंट्री करा रहे थे लोग, क्रीमी लेयर की बात कर रहे थे या और तरह तरह की बातें कर रहे थे, तो इसमें तो स्पष्ट जाहिर है कि भाई ये लोग संविधान को दरकिनार करना चाहते हैं। पूर्व बीजेपी एसपी सिंघल पे आरोप लगा है कि जो पेपर भर्ती हुआ था सिपाही पेपर भर्ती, उस पर उन्होंने प्रिंट करवाने का जिसको टेंडर दिया था उससे 10% दिया है। अब ये तो मामला जांच, उन्होंने चार्जशीट दायर किया, ये चार्जशीट हुआ है तो ये तो जाँच चल रही है ना।
जांच चल रही है तो जांच में जो तो कोर्ट में मामला हो, कोर्ट में मामला है तो कोर्ट इसको देखे। आनंद सिंह ने सर कहा है कि अपराधी है आप, आपके पिताजी जेल गए हैं।